नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनेशन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी अब चीन की भाषा बोल रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चीनी भाषा उन्हें कैसे बोलने आती है और इस चीनी भाषा का प्रयोग करके वो क्या समझाना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद लगातार जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके मन में ये हैरानी होने लगी कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। दरअसल उन्होंने अपनी जो ट्वीट किए थे वो पूरी ही चीनी भाषा में थी और यही वजह है कि सभी के मन में ये आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये क्या बातें उनकी तरफ से लिखी गई है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी ने उसे फिर से ट्वीट किया हिंदी भाषा में। दरअसल चीन में एक छात्र के हमले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति का नाम लेते हुए चीन की भाषा में ही उन्हें घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ लिखते हैं जीतन राम मांझी, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी चीन को उसी की भाषा में समझा रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़ा एक मसला उठाते हुए चीन का नाम लिया। उनका ट्वीट देखकर ढेर सारे लोग हैरान हो गए। बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है। लोग उनसे पूछने लगे कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है। इसके बाद मांझी ने अपनी बात को दोबारा हिंदी भाषा में ट्वीट किया। दरअसल मांझी ने चीन में एक भारतीय छात्र की हत्या का मसला उठाया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति का भी जिक्र किया है। मांझी का ये ट्वीट चीनी भाषा में था। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को संबोधित किया और तियानजिन फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी के छात्र नागासन अमन की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने और शव को अविलंब भारत भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मारा गया छात्र बिहार के गया जिले के रहने वाला था। उन्होंने अपने ट्वीट में भगवान बुद्ध का जिक्र किया। उनके ट्वीट में चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अलावा भारत में पीएमओ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग किया गया है। उनके ट्वीट को देखकर बाबूलाल यादव नाम के यूजर ने पूछा कि ये कौन सी भाषा है। ऋषभ यादव ने पूछा कि चाइनीज भाषा क्यों लिखने लगे। किंग शादाम नाम के यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा क्योंकि चीन के लोग भोजपुरी और हिंदी नहीं जानते। माधव और नाम के यूजर ने पूर्व मुख्यमंत्री की आईटी टीम पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिमाग तो अच्छा लगाया है लेकिन सुबह ओलंपिक खिलाड़ी से जुड़ी ट्वीट में गलती कर दी थी। अमन कुमार सिंह ने मांझी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने ये मसला उठाया है। तो बता दें कि गया के एक छात्र की हत्या चीन में हो जाती है और यही वजह है कि इस मसले को लेकर जीतन राम मांझी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और इसमें देश के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग किया है। चीनी राष्ट्रपति को लेकर भगवान बुद्ध का भी नाम उन्होंने लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये मसला उठाया गया है तो वाकई इसको लेकर चीनी सरकार संज्ञान लेती है या नहीं, क्योंकि मांझी की तरफ से ये मांग है कि अविलंब उसके शव को भारत पहुँचाया जाए। देखना होगा कि क्या वाकई ये काम चीनी सरकार कर पाती है या नहीं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।